मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो वासियों को करोड़ों की योजनाओं के सौगात दी। बोकारो के चास प्रखंड के सोनाबाद पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने 168,21,88,000 रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 49,23,29,000 की योजनाओं का उद्घाटन और 118,98,58,000 रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जबकि 321,56,79,000 रुपए की परिसंपत्तियों का भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वितरण किया। वह इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बेबी देवी के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तरह तरह से षड्यंत्र रच करके हमें कटघरे में खड़ा करने का कोशिश करता, एजेंसियों के माध्यम से सरकार को बंधा और छवि खराब करने का काम में लगा हुआ है। संसाधन हमारे पास सीमित है, अधिकार केंद्र सरकार देने को तैयार नहीं। हमने पहले भी कहा 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा केंद्र सरकार ने बकाया, अगर वो आज 1,36,000 करोड़ रुपया हमको मिलता तो इस राज के माथे पर जो पिछड़ापन लिखा हुआ है, जिस दिन वो मिलता उसी दिन वो मिल जाता, लेकिन कोई देने वाला नहीं। आज वो पेंशन, वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता जो 1,000 रुपया पेंशन दे रहे हैं, वो हम 2,500 रुपया देते गरीबों को। तो हम लोगों ने पहले इस राज की जो गरीब का पीड़ा, इस राज का जो पिछड़ापन का दंश, सबसे अधिक जो लोग खेल रहे थे, हमारे जरूरतमंद लोग, बूढ़ा बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, अपंग बच्चे, परित्याग महिलाएं, जिनका कोई सहारा नहीं था, उसको हम लोगों ने सहारा दे करके सर्वजन पेंशन लागू करके सबको पेंशन देने का कानून बना दिया। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कोई भी कॉलेज में, लेकिन उससे भी अगर ऊपर पढ़ाई करना हो तो उसके लिए सभी 10वीं क्लास के बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं, और उन बच्चों को अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना है और उसका पढ़ाई का खर्चा बहुत अधिक है तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का भी जरूरत पड़ेगा, तो उसके माध्यम से उस बच्चे